नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड से साइबर ठग को गिरफ्तार करने आई पुलिस ने मोहल्ले से बिट्टू नामक युवक को किया गिरफ्तार। 20 लाख ठगने का है आरोप। शेखपुरा जिले में साइबर ठगों का पकड़ा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी कई साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन यह मामला थोड़ा हटके है। उत्तराखंड से पुलिस की एक टीम आई थी जिसे शेखपुरा पुलिस ने भी भरपूर सहयोग दिया था और एक मास्टरमाइंड साइबर ठग बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार बिट्टू के द्वारा उत्तराखंड से 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जिसके लिए दोनों जगहों की पुलिस को काफ़ी मशक्कत करना पड़ी थी, लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए युवक का मेडिकल टेस्ट शेखपुरा सदर अस्पताल में कराया गया और फिर शेखपुरा न्यायालय के समक्ष भी उसे पेश किया गया है। उत्तराखंड पुलिस युवक को अपने साथ उत्तराखंड ले जाने के लिए प्रयासरत है। जब मीडिया ने उत्तराखंड पुलिस से इस संबंध में बात करनी चाही तो उत्तराखंड पुलिस मीडिया वालों के सवालों से साफ बचती दिखाई दी। बहरहाल बिट्टू की गिरफ्तारी के पीछे उत्तराखंड पुलिस की चुप्पी आखिर क्यों इस संबंध में, जबकि शेखपुरा थाना पुलिस से इस बात का करने का प्रयास किया गया तो कोई भी कुछ भी साफ बताने से बचता रहा। गौरतलब हो कि उत्तराखंड की पुलिस और बिहार की पुलिस दोनों मिलकर साइबर ठग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, तो मीडिया के सवालों से आखिर दोनों क्यों बच रहे हैं यह बड़ा सवाल है। सर, गिरफ्तारी कब की गई थी? क्या मामला है सर, गिरफ्तारी कब की गई थी? अरे कहाँ गया ड्राइवर? सर कुछ तो बताया जाए, सर कुछ तो बताया जाए। हाँ जी सर, आ रहे हैं, थाने में आ रहे हैं, उधर बता रहा है भाई साहब, अभी कोर्ट में जा रहा है, लेट हो रहा है थोड़ा, ठीक है? पूरा प्रेस नोट बना रहा हूँ, वही दे रहा हूँ, ठीक है सर? प्लीज वहीं आ रहे हैं, प्रेस नोट बनाएंगे, थाने में आ रहा हूँ, वहीं बनाएंगे। थोड़ा सा सर एक लाइन ब्रीफ किया जाए, जज साहब उठ रहे ना,